अगर आप कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट बनाने के चक्कर में आप सोच रहे हो क्या बनाओ, क्या कंटेंट बनाओ, कौन सा कंटेंट चलेगा आज, कौन सा कंटेंट बनाओ आज मॉर्निंग में, कौन सा कंटेंट बनाऊँ, तो आप क्या सोच रहे हो, कैसे आप कंटेंट फाइंड करोगे? अलग अलग वेबसाइट से तो फाइंड कर सकते हो, कोई कोई अलग अलग वेबसाइट से अपना जो कंटेंट का जो टॉपिक है वो सर्च करके निकलता है कि आज क्या वीडियो बनाया जाए और कौन से टॉपिक पर काम किया जाए। तो आप जो भी कंटेंट बनाओगे ना, तो कंटेंट के पहले आप सोचो कि आप क्या कंटेंट में बना रहे हो, क्या कंटेंट के हिसाब से आप आज बनाओगे, ट्रेंडिंग टॉपिक बनाओगे या कुछ टिप्स या ट्रिक्स या सेटिंग के टॉपिक बनाओगे। तो वो जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक पहले यूट्यूब में सर्च करो कि यूट्यूब के सर्च बार में कि वो टॉपिक का जो व्यूज़ है कितना अच्छा आता है, मतलब जो आपने जो सर्च करोगे, अगर आप सर्च कर रहे हो कि मैं यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करूँ, तो ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, तो कॉमन टॉपिक में ना इसका व्यूज़ देखो, कौन से वीडियोज़ में कितना व्यूज़ है, मतलब अगर ये वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ रहेगा, मतलब इसके पहले आपके पहले जो क्रिएटर ने जो वीडियोस बनाए रहेंगे उनके वीडियोस में क्या व्यूज़ है, तो व्यूज़ के हिसाब से आपको पता चलेगा वो कंटेंट कितना मार्केट में चल रहा है और अभी भी कितना चल सकता है। तो उसी के हिसाब से आप कंटेंट सर्च करें, अपने कंटेंट बनाओ कि कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, कैसा कंटेंट आज चलेगा, कैसा इंप्रेशन अपने चैनल पर रहना चाहिए, कैसा इंप्रेशन अपने चैनल पर आ जाएगा। तो आप जो वीडियोस बनाओगे, जो वीडियोस पे काम करोगे ना, वो वीडियोस पे अपना रेगुलर वाइज रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाओ। अगर रेगुलर्स नहीं जमता है तो ऐसा कुछ टॉपिक सोचो जो हर टाइम चलने वाला टॉपिक है, तो उसी के हिसाब से हफ्ते में 2-3 या दिन में 1 वीडियोस बनाओ। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका चैनल का रीच कितना जा रहा है, इंप्रेशंस कितना आ रहा है और कितना आपका जो वीडियोस है वो कितना धीरे धीरे ग्रोथ होते जाएगा आगे। तो वो उसका जो जो साइमल्टेनियस जो उसका ग्राफ से उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा काम करना है, कैसे काम करके अपने यूट्यूब को जो चैनल है धीरे धीरे ग्रोथ करना है। व्यूज़ तो धीरे धीरे आते जाएंगे, पर आपका जो चैनल है वो चैनल को कैसे पहले अच्छे से एक स्टेबल किया जाता है कि मेरा चैनल पे अगर मैं एक वीडियोज़ डालूँ तो स्टार्टिंग के जो पीरियड में 200-400-800 व्यूज़ आना चाहिए स्टार्टिंग का जो यूट्यूब में जो चैनल बना रहे। बाद में धीरे धीरे आपका चैनल पे जो रीच आएगा, रीच के आने के बाद जो मतलब जो रीच आ जाएगा आपके चैनल पे, आपका चैनल इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका जो वीडियोज़ है वो धीरे धीरे वायरल होते जाएगा, मतलब धीरे धीरे लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको देखेंगे, आपके चैनल पे धीरे धीरे सब्सक्राइब करेंगे, धीरे धीरे आएंगे, आपका वीडियोज़ देखेंगे। तो आपको उस टाइम तक पहुंचने के लिए आप पहले एवरग्रीन जो कंटेंट है आपके यूट्यूब में सर्च करो, यूट्यूब में कौन सा कंटेंट अभी चल रहा है और कौन से कंटेंट में बना के जल्दी से जल्दी अपने चैनल को ग्रोथ कर सकता हूँ। जैसे ग्रोथ करोगे उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आज जो मैं टॉपिक बनाया वो टॉपिक में कितना इंप्रेशन आज आया, कितना इंप्रेशन आज चल रहा है, कितना जो एनालिटिस्ट है मतलब जो मेरा चैनल का जो ग्राफ है वो ग्राफ कितना अच्छा जा रहा है। तो मेरे चैनल पे मेहनत करना अच्छा है कि क्या है, कि कैसा मेरा वीडियोस बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। आज के तारीख में मेरा जो इंप्रेशन है अच्छा खासा अभी आ रहा है, लास्ट एक साल से कुछ नहीं आ रहा था, बट अभी धीरे धीरे इंप्रेशन आ रहा है, 20,000, 40,000, 50,000 तक इंप्रेशन जा रहा है। बट जो आपका जो चैनल पे जो आप काम करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका भी ग्रोथ होएगा और धीरे धीरे सबका ग्रोथ होएगा। तो आप सर्च करोगे कौन सा कंटेंट और कौन सा टॉपिक मार्केट में सर्च हो रहा है, यूट्यूब में जो लोग देखना पसंद करें, पता चल जाएगा आपको कि आज कौन सा टॉपिक बनाओ, कौन सा टॉपिक पे काम करूँ, कौन सा टॉपिक पे क्या करूँ। तो ये जो ट्रिक है ना, ये सबको पता है, सबको नहीं पता, जो नए नए क्रिएटर है उन लोग को ज़्यादा करके नहीं पता रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करके सब सोचते हैं कि आज क्या टॉपिक चल रहा है, इसका वीडियो आज नहीं बनाया तो इसका टॉपिक कॉल क्लियर करके मैं अपना जो स्क्रिप्टिंग करके अपने वीडियोज़ बना लेता हूँ। ऐसे नहीं, आपका जो भी टॉपिक सर्च करो ना, वो टॉपिक पहले यूट्यूब में सर्च करो, उसका क्या रेशो है, मतलब कितना सर्चेबल कंटेंट है, अगर उसके रिगार्डिंग पहले से कोई वीडियोज़ बना हुआ है तो वीडियोज़ में कितना व्यूज़ है, तो आपको पता चल जाएगा व्यूज़ है कैसा, वो टॉपिक कितना अच्छा चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आप वीडियोज़ बनाते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा और आपका चैनल भी धीरे धीरे रीच आता जाएगा। और जो दूसरा जो मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से बनाओ, ताकि आपका जो वीडियो है जल्द आगे से आगे पुश हो सके, मतलब जितना यूट्यूब उसको आगे भेज सकता है। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कितना अच्छा था और कितना आप समझ पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।